अगला सवाल है अंकित का, चरखी दादरी हरियाणा से। अंकित बताइए क्या सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा मेरा सवाल है सर, हिंदुस्तान जिंक के मैंने 50 शेयर खरीद रखे हैं 500 के भाव से, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, 4-5 साल होल्ड कर सकता हूँ। 500 पे खरीदा, 4-5 साल होल्ड करेंगे, ठीक ठाक तो चल रहा है अभी, 650 के आसपास पहुंच रहा है। कहा सर हिंदुस्तान जिंक होल्ड करना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, इतना अच्छा आपको मिला इस क्वार्टर में 636 और ब्रेकआउट मिला, अगर यहाँ पर थोड़ा रुकता है तो घबराना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्डिंग है। हाँ स्टॉप लगाना है 6550 का लगाइए, 635 का है, कंटिन्यू होल्डिंग है, मेरे ख्याल से अच्छा लगता है मुझे हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान जिंक होल्ड करिए, अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया रैली बन रही है मेटल्स में, और जिंक में भी देखिए आज सुबह चर्चा हो रही थी, सारे जितने भी इस तरह के ना जिंक निकल कॉपर वॉपर सब में बहुत तेज़ी है, तो होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक पांडे का सवाल है, जो सवाल लेते हैं गावा सर, पहला सवाल है पुणे से उदय का। उदय भाई नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पास एयरकॉन शेयर है 8400 क्वांटिटी, 186 रेट से लिए है। यार बहुत पैसा बन गया गुरु आपका तो, है ना? जी सर। हाँ सर, इसे होल्ड करे या? ओके गाबा सर, उदय ने एयरकॉन के 8500 शेयर लगभग खरीदे 186 पर और चल रहा है 292। अब क्या क्या करना चाहिए इनको? अब तक तो अच्छा लग रहा है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। हाँ 50,000 से 292 चला गया, कहां तक रुकेगा कहना मुश्किल है। स्टॉप लगाना है तो 280 का स्टॉप लगाए, तो राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड, सिंपल है। ओके सिंपल है। वैसे आज रेलवे फिर से फ्लेवर में है, RVNL तमाम स्टॉक्स में तेजी है, और PSU स्टॉक्स तो वैसे भी रडार में, आप मेटल में देखिए बहुत सारे PSUs हैं जो जहाँ पे तेजी बन रही है।